हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिप्लाई देने जा रहा हूँ ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक बिगेस्ट फ्रॉड है। तो उसका रिप्लाई मैं आज देने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मैंने जो उन्होंने बताया अपने वीडियो के अंदर कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी है वो फ्रॉड है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी उसमें बताए हैं कि ठीक है, तो मैं उसी पे जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ फ्रॉड बट इट इज़ अ साइंस एंड देर आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन इट टू रीच टू एनी प्रडिक्शन। तो एस्ट्रोलॉजी जो है एक फ्रॉड नहीं है, ये एक साइंस है और इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, तभी वो प्रडिक्शन हम बता सकते हैं इसके बारे में। विदाउट नोइंग दी कम्प्लीट डीप नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट यू कैन नॉट से इट्स अ ब्लाइंड फेथ और फ्रॉड। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने डीप नॉलेज नहीं ली है, तो आप उसको ये नहीं बोलते कि वो ब्लाइंड फेथ है या फ्रॉड है। अगर आप उसकी नॉलेज लेंगे, डीप नॉलेज लेंगे, तभी आपको उसके बारे में पता लगेगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो। अवर सेजेस ऋषिज प्रेडिक्टेड अबाउट सोलर और मून एक्लिप्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डेट्स वेल इन एडवांस 100 ईयर्स अगो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स एंड कैलकुलेशन विच ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो हमारे जो ऋषि थे, पुराने सेजिस थे, तो उन्होंने जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की डेट्स हैं या और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन्होंने एडवांस में कितने सालों पहले ही बता दिया था कि इस डेट में ये जो है सूर्य ग्रहण आएगा, ये चंद्र ग्रहण आएगा, या और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया था। तो वो सारी जो कैलकुलेशन थी वो प्लानिटरी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑलरेडी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। एवरी ईयर वी गेट द पंचांग विच गिव्स द एक्यूरेट कैलकुलेशन। हर साल हम जो है साल के शुरू होने से पहले जो है पंचांग वापस आया था, उसमें वापस सारी एक्यूरेट जो कैलकुलेशन उसके अंदर होती है, ये कब कब से कौन सा दिन आया, कौन सा ठीक है, कौन से किस दिन जो है आपका सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, तो ये सारी चीज़ें वापस एडवांस में आ जाती हैं। तो ये किसी न किसी कैलकुलेशन के बेसिस पर ही बताया जाता है ना। एज ऑल प्लैनेट्स अफेक्ट्स अवर अर्थ एज पर देयर मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुल मून देर आर टाइड्स इन द सी। जैसे प्लैनेट्स का जो इफेक्ट है हमारी अर्थ पे पड़ता है, ऐसे जैसे मून है, जब फुल मून होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, जो तो टाइड्स आते हैं सी के अंदर, तो ये तो हमें पता ही है। सेम वे अवर बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई, फायर, एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इट गिव्स सम इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ ऑल्सो। तो हमारी बॉडी भी जो है वो पंच तत्वों से बनी हुई है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बनी हुई है बॉडी। तो नेचुरली जितने प्लैनेट्स जो ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है, ठीक है, हमें माइंड के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर भी है इसका इफेक्ट आता है। एज फार एज हॉरोस्कोप मैचिंग इज कंसर्न, यू मस्ट हैव नोटिस दैट देर आर लेस नंबर ऑफ डिवोर्स केसेज इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर देर इज़ नो हॉरोस्कोप मैचिंग। तो आपने नोट किया होगा जो हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं हम जब शादी का मिलान करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो अगर नंबर ऑफ केसेस जो डिवोर्स के हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे ज़्यादा डिवोर्स केसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हॉरोस्कोप मैचिंग का कोई फैशन नहीं है, तो वहाँ पर वो नंबर ऑफ़ जो है मैरिजेज काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ फार एज़ दी मैरिज कंसर्न। एस्ट्रोलॉजी और एनी अदर साइंस कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी विल बिकम गॉड, इट ऑलवेज ऑन दी प्रॉबिलिटी ऑफ सिचुएशन। तो कोई भी साइंस होती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वो 100% एक्यूरेट तो हो नहीं सकती। अगर एस्ट्रोलॉजर अगर 100% एक्यूरेट हो जाए तो वो नेचुरली फिर तो गॉड बन जाएंगे। ये जो है हमेशा प्रॉबिलिटी का होता है सिचुएशन के ऊपर, तो उसमें 60-70% जो है प्रॉबिलिटी होती है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा हो सकता है, तो 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं हो सकता आज की डेट में, चाहे वो कोई भी साइंस हो। अब बात करते हैं क्रिकेट के मैच की। एज़ फार एज़ क्रिकेट मैच प्रडिक्शन इज़ कंसर्न, जैसे उन्होंने बताया, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया कि जो है क्रिकेट मैच की प्रडिक्शन जो है वो गलत हो गई, काफ़ी एस्ट्रोलॉजी ने बताया था कि इंडिया जीतेगी, तो किसी पर्टिकुलर मैच की बात करते हो। तो अब मैंने इसलिए ये बताया कि एज़ फार एज़ क्रिकेट मैच प्रडिक्शन इज़ कंसर्न, इट्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इन मैच देर आर 11 प्लेयर्स प्लेइंग द मैच एंड इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली एज एवरी प्लेयर्स हैज़ डिफरेंट प्लैनेटरी पोजिशन इन द चार्ट एंड द होल टीम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी टीम को जो है आप एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 11 प्लेयर होते हैं, तो नेचुरली हर एक का प्लानिटरी पोजिशन के अंदर काम कर रही होती है,
तो ये बताना है कि यहाँ भी वो इंडिया मैच जीतेगी या दूसरा मैच जीतेगा, वो थोड़ा सा इसमें हम एक्यूरेट प्रोजेक्शन नहीं दे पाते हैं, प्रोबेबिलिटी की तरफ होता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये मैच इंडिया जीतेगी, क्योंकि इसमें 11 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक प्लेयर तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है मैंने आपके उसी ऊपर अप्लाई किया है, आपकी बात के ऊपर, कि इसमें हम जो टीम है उसको इंडिविजुअली मान सकते हैं, तो नेचुरली डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं और डिफरेंट उनका प्लेनेटरी पोजिशन चल रहा होता है, तो इसलिए इसके अंदर प्रॉबिलिटी के बेसिस पे ही बताते हैं कि हाँ भाई ये टीम मैच जीत सकती है या नहीं सकती है। यू हैव टेकन इंटू अकाउंट ओनली दोज फ्यू प्रडिक्शन विच गॉट फेल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। आपने जो है अपने वीडियो के अंदर सिर्फ वही प्रडिक्शन ली हैं जो थोड़ी प्रडिक्शन है जो कुछ फेल हुई होंगी। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ अदर प्रडिक्शन विच वर एक्यूरेट वर नॉट शोन इन योर वीडियो। कई प्रडिक्शन ऐसी भी जो एक्यूरेट हुई हैं जो आपने उसमें अपने वीडियो पर शो नहीं किए हैं, आपने सिर्फ वही लिए हैं जो कि जो कुछ परसेंटेज जो है गलत वीडियो गलत जो है प्रडिक्शन गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यू रॉन्ग प्रडिक्शन यू कैनॉट से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो थोड़ी सी जो प्रडिक्शन गलत गई हैं उसके बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। एनी वन कैन मेक वीडियो ऑन प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, पॉलिटिशियन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड शो ओनली दोज केसेज विच आर रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल, बट दैट डजेंट मीन दैट होल प्रोफेशन और दैट डिपार्टमेंट इज रॉन्ग और करप्ट। तो कितने प्रोफेशन है, मान लो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, लॉयर्स का है, सीएस का है, या पॉलिटिशियन है, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो ये भी तो इनकी भी तो इनसे भी गलती हो सकती है। डॉक्टर्स हैं उनके भी डॉक्टर अच्छे भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, हर तरह के डॉक्टर हैं, तो उनका भी केस खराब हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ वही अपनी वीडियो में दिखाओगे हाँ ये केस खराब हुआ डॉक्टर्स को, इसका मतलब इतना कि आपका जो प्रोफेशन है वो खराब हो गया, या कोई लॉयर है उसका उसने वो केस नहीं जिता पाया, हार गया केस, तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा प्रोफेशन है वो खराब हो गया, या पॉलिटिशियन है किसी ने कोई फ्रॉड किया कुछ किया, और तो ये ना कि पूरा होल सिस्टम ही खराब हो गया, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बोलता है कि यहाँ बारिश होगी वो बारिश नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा प्रडिक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ही खराब हो गया। तो अगर आप सिर्फ वो गलत चीज़ दिखाओगे तो नेचुरली आपको वही चीज़ दिखेगी। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी दोनों दोनों इससे मिक्स होती हैं, तो आपने सिर्फ जो अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ गलत पार्ट दिखाया, अच्छा पार्ट दिखाया नहीं है आपने, और वो भी कुछ फ्यू परसेंटेज ही जो है वो गलत होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये तो अगर आप जो दिखाना चाहेंगे वही आप मतलब वही लोग समझेंगे इसमें ना, मेरा कहने का मतलब ये है। इफ़ एनी हिंदू गेट्स मैरिड ही और शी फॉलोज ऑल द रिचुअल्स इवन दो दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट। इन मैरिज देयर आर सर्टन मुहूर्त्स विच इज़ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन विच मैरिज टेक्स प्लेस। तो जैसे हिंदू लोग जो मैरिज करते हैं वो ठीक है इसमें सर्टन मुहूर्त के ऊपर ही वो शादी करते हैं, या वो बिलीव करें ना करें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तब भी वो उस मुहूर्त को फॉलो करते हैं, सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं पूरा, तो ये जो है सारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। आई बिलीव एन ध्रुव राठी गॉट मैरिड ही वुड हैव ऑल्सो फॉलोड द सेम रिचुअल्स और मुहूर्त विच इज़ एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो जब ध्रुव राठी की मैरिज हुई होगी तो उन्होंने भी ये सब सेम रिचुअल्स जो है फॉलो किए होंगे जो कि या मुहूर्त फॉलो किए होंगे जो कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर है। ध्रुव मेंशन अबाउट टू ट्विंस हॉरोस्कोप विच इज़ सेम फॉर बोथ बट देयर डेस्टिनी इज़ नॉट सेम, देर आर टू रीज़न फॉर इट। अब ध्रुव ने अपना मेंशन किया था कि अगर ट्विंस हैं उनका हॉरोस्कोप सेम होता है बट उनकी डेस्टिनी सेम नहीं होती, तो उसका मैंने उसका आंसर दिया है, देर आर टू रीजन्स फॉर इट। वन इज़ दैट दे बोथ हैव डिफरेंट पास्ट लाइफ विच अफेक्ट्स द करंट लाइफ। दोनों की जो पास्ट लाइफ जी थी वो डिफरेंट होगी नेचुरली, डिफरेंट माँ बाप होंगे, डिफरेंट लाइफ होगी पिछले जन्म की, तो उनका अपना पास्ट लाइफ का जो इफेक्ट है वो इस करंट लाइफ में आता है। सेकेंडली इफ़ वी लुक डीप इन टू बोथ ऑफ द चार्ट इट बिकम्स डिफरेंट वैन वी लुक एट D60 चार्ट विद अ फ्यू मिनट्स ऑफ डिफरेंस इन देयर बर्थ टाइम। तो जैसे अगर आपको इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज हो तो इसके अंदर अगर हम डीप में आते हैं जब चेक करते हैं, इसमें एक D60 चार्ट होता है, तो अगर कुछ मिनट्स का डिफरेंस भी है ट्विंस के अंदर तो वो D60 चार्ज जो होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर जो प्लैनेटरी पोजिशन है चेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली वो जो है इसका प्रडिक्शन भी नेचुरली चेंज हो जाएगी, तो उसका जो डेस्टिनी है वो भी नेचुरली डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर आप पूरा इसको जब तक आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, आप पूरा डी स्टडी नहीं करेंगे, आपको इस बारे में बिलीव नहीं हो पाएगा। वह ध्रुव राठी इज़ वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर ऑफ द कंट्री इन सच अ यंग एज।
ध्रुव राठी जैसे ऐसी यंग एज में जो है वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर हैं कंट्री के. इज इट प्योरली हार्ड वर्क और द लक इज ऑल्सो इन्वॉल्व विच इज़ बेस्ड ऑन हिज बर्थ चार्ट एंड दशा पीरियड ऑल्सो. तो क्या ये पूरा हार्डवर्क के बेसिस पे है या इनका लक भी काम कर रहा है इसके अंदर? जो कि अगर लक की बात करें तो वो उसके बर्थ चार्ट और दशा पीरियड की जो है मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, कि अगर वो अच्छी चल रही होगी तो इनका लक भी काम कर रहा होगा. देर आर लॉट ऑफ अदर यंग यूट्यूबर हु आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड गिविंग गुड कंटेंट्स ऑल्सो इन देर वीडियोज बट नॉट गेटिंग सक्सेस. वट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? इट्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू देर बेस्ट ऑफ दशा पीरियड. अब बहुत सारे और भी यूट्यूबर हैं, यंग यूट्यूबर हैं, जो काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं और अपना मतलब बच्चा कंटेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो चलती नहीं है, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है. तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब ध्रुव राठी को सक्सेस मिल रही है और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो क्या डिफरेंस क्या हो सकता है? तो नेचुरली उनकी भी कोई जो दशा होगी वो अच्छा नहीं चल रही होगी इस टाइम पर, दशा पीरियड अच्छा नहीं चल रहा होगा. तो जब अच्छी दशा आएगी तो उनको भी सक्सेस मिल जाएगी. तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, इसलिए स्ट्रॉलोजी को रॉन्ग करना या फ्रॉड करना आप ये बिल्कुल गलत है. और मैंने और एग्जाम्पल, वाई सम पर्सन्स आर बॉर्न इन रिच फैमिली एंड अदर बॉर्न इन मिडिल क्लास और पुअर फैमिली, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कोई रिच फैमिली में पैदा होते हैं, कोई मिडिल क्लास में होते हैं, कोई पुअर फैमिली में पैदा होते हैं. इट हैपन्स ड्यू टू देयर पास्ट लाइफ कर्मास. बट हाउ विल समवन एबल टू नो हिज हर पास्ट लाइफ कर्मास रिकॉर्ड? तो ये जो जन्म मिलता है हर एक को वो उनके पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर होता है. उनके अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रिच फैमिली में इनकी इनका जन्म होता है, तो अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं तो पुअर फैमिली में इनकी जन्म होता है. तो अब वो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा जो मैंने पिछले जन्म में मैंने कैसे कर्म किए थे? तो आपको कैसे पता लगेगा? इट्स दी हॉरोस्कोप विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और पास्ट लाइफ कर्मा. तो जो हॉरोस्कोप बनता है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है कि पिछले पास्ट लाइफ में आपने क्या कर्म किए हैं, उनकी जो प्लैनेटरी पोजिशन होती है, क्या क्या योग बन रहे हैं उसके अंदर. तो उससे हमें आइडिया होता है कि हाँ आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं. इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑफ अ पर्सन विच वी कॉल इज अ संचित कर्मा. तो ये एक तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से बनती है किसी कंपनी की. तो ये जो हॉरोस्कोप होता है ये समझ लो उसी तरह से काम करता है, और जिसको हम बोलते हैं कि आपके संचित कर्मा जो हैं, आपने संचित कर्म कितने आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपके आपका जो हॉरोस्कोप रिप्रेजेंट करता है. वट इज़ गोइंग टू गेट इन दिस लाइफ टाइम डिपेंड्स अपॉन हिज हर दशा पीरियड विच वी कॉल प्रारब्ध. तो आपको इस जन्म में क्या मिलने वाला है, एक तो हो गया हॉरोस्कोप, वो तो आपका हो गया बैलेंस शीट, और आपको जिसको बोलते हैं संचित कर्मा बोलते हैं, और इस जन्म में आपको क्या मिलने वाला है वो आपकी जो दशा पीरियड होता है वो डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध. आपका जो इस जन्म में क्या प्रारब्ध है, आपको अच्छा मिलने वाला है और कब मिलने वाला है, वो दशा पीरियड डिसाइड करता है. तो पूरी एक साइंस है, उसके बेसिस पे जो है बताया जाता है आपके प्रेडिक्शन के बारे में. यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर्स एंड अदर सेलिब्रिटीज फॉलोज न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड गॉड सक्सेस ऑल्सो. तो आपने जानते ही होंगे काफ़ी जो है टॉप क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन जो हैं, डायरेक्टर्स फिल्मों के या अदर सेलिब्रिटीज जो हैं, वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का फॉलो करते हैं, और उनको काफ़ी सक्सेस भी मिली है इसके अंदर. मोस्ट ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड, काफ़ी जो मोस्टली जो है वो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं. एकता कपूर हैज़ चेंज स्पेलिंग्स इन मैनी सीरियल्स एंड गॉट सक्सेस. एकता कपूर ने अपने कई सीरियल्स के अंदर अपने जो लिखे हैं उसमें नाम नाम के अंदर जो है स्पेलिंग चेंज किए हैं, और उसको काफ़ी सक्सेस मिली है. मैनी एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार, गोविंदा, सैफ अली खान, कियारा आडवाणी, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन एंड मैनी मोर हैव चेंज देयर नेम एंड गॉट सक्सेस आफ्टर दैट. तो काफ़ी जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिया फिल्मों के आने के बाद या उससे आने से पहले, तो उनको काफ़ी सक्सेस मिली है. जैसे ने बताया अक्षय कुमार, गोविंदा, सैफ अली खान, कियारा आडवाणी, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, उसके बाद उनको सक्सेस अच्छी मिली है. तो ये मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि जो ध्रुव राठी ने बताया कि हाँ एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस मतलब कि फ्रॉड है. तो मेरा ये बताने का मतलब था कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है, एक साइंस है. जब तक आप उसको इसकी डीप नॉलेज नहीं लेंगे आपको आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हम ये साइंस है क्या है फ्रॉड है. तो मेरा यही बताने का मतलब था कि एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी काफ़ी अच्छे से काम करती है, और इसकी प्रडिक्शन जो है मैं नहीं कहता 100% करेक्ट होती हैं, बट काफ़ी हद तक जो है 60-70% तक जो है ये काम करती है, और इस पर आप जो है आराम से बिलीव कर सकते हैं. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.